नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और हिंदी की इस सीरीज में आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। संज्ञा का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, संज्ञा और सर्वनाम ये दो ऐसे टॉपिक रहते हैं जो सीखने में बहुत ही आसान है और यहाँ से अच्छे स्कोर कर सकते हो आप लोग। अगर ये दो क्वेश्चन आते हैं तो दो नंबर आपको फ्री के मिल रहे हैं, ऐसा आपको समझना है। बस इसके टाइप्स को समझना है और कैसे, कब, किस वक्त कौन सा सर्वनाम किस तरीके से वहां पर प्रयोग किया गया है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। इन सभी तरीकों को आप एक ट्रिक के मेथड से, निमोनिक कोड्स के मेथड से और टेक्निक के मेथड से याद करना चाहते हैं सारी सब्जेक्ट्स, और भी हिंदी के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनको, उनकी तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। हम लोगों ने कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसे आप परचेस करके अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, बहुत ही कम कीमत पर टेस्ट सीरीज है। अपने हर वीडियो में बताते हुए आता हूँ, उसमें 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, साथ में 5 फुल रेंज टेस्ट हैं जो आप दिला सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि आज के क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया सर्वनाम में, कि हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं। अब हिंदी में कितने सर्वनाम का क्या सेंस है, थोड़ा आपको समझना हो। ये आपको प्रकार नहीं पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, प्रकार की बात नहीं की है, कितने सर्वनाम होते हैं बस। जैसे किसी व्यक्ति का कितने नाम हो सकते हैं, तो 2 नाम 3 नाम 4 नाम, ठीक है। इस प्रकार के नामों के बारे में पूछ रहा है कि ये कितने प्रकार के सर्वनाम या कितने सर्वनाम होते हैं, प्रकार नहीं, कितने सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, 10, 8, 11, 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 11। अब 11 सर्वनाम क्या क्या है ये आपको ध्यान में रखना है और ये आप चालू बोल चाल में इसको यूज करते हुए आते हैं। सबसे पहला इसमें क्या है, जो अपने लिए आप प्रयुक्त करते हो मैं, जो दूसरे के लिए आप प्रयुक्त करते हो वो क्या है, आप या फिर तू, ये तुम, ठीक है। उसके बाद आप क्या प्रयोग करते हो, यह या वह। फिर क्या पूछते हो, क्या, कौन। अगर किसी संबंध बताते हैं तो जो, तो। इस प्रकार से आप सर्वनामों का यूज करते हैं, ठीक है। मैं, आप, तू, यह, वह, क्या, कौन, जो, सो, कोई और कुछ, कोई और कुछ। तो ये आपके 11 होते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 3, 11। ये 11 सर्वनाम मुख्यतः हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब इनके बारे में भी समझ लो, ये कहाँ कहाँ प्रयुक्त किए जाते हैं, तो आपको आसानी से इसके टाइप्स भी समझ में आ जाएंगे। अब जो टाइप्स की बात करता, अगर यहाँ पर कितने सर्वनाम है पूछा तो 11 हम लोगों ने बता दिया, 11 के बारे में जिक्र कर दिया। अगर पूछे रहता कि सर्वनाम होते कितने प्रकार के हैं, तो आपको बताना होता इसके प्रकार हैं टोटल 6। कितने प्रकार के होते हैं ये, टोटल 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार कौन कौन से, सबसे पहले तो कौन सा आता है, पुरुषवाचक। अब यहाँ पर व्यक्ति नहीं आएगा ना, यहाँ पर पुरुषवाचक आता है। व्यक्तिवाचक कितने था, आपके संज्ञा में था। पुरुष के बाद क्या आता है, निजवाचक, अपने बारे में बात करेगा, तो निजवाचक, यहां सुधार लेना, निजवाचक, ठीक है। उसके बाद क्या है, किसी निश्चित वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो निश्चयवाचक, किसी अनिश्चित वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो अनिश्चयवाचक, उल्टा हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या, अगर किसी से प्रश्न कर रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक, और अगर किसी से संबंध बता रहा है तो संबंधवाचक हो जाएगा। तो ये 6 प्रकार के आपके सर्वनाम होते हैं, ये 6 प्रकार इसी से आते हैं। पुरुषवाचक के ये 3 होते हैं, अगर मैं इन चेंज करके बताऊं आपको तो पुरुषवाचक के ये 3 होते हैं। पुरुषवाचक के अंदर भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, क्या, उत्तम पुरुष, जब उत्तम की बात आती है तो ये मैं वाला यूज करेंगे, जब मध्यम की बात करेंगे तो आप के बारे में बात करेंगे, और किसी अन्य के बारे में बात करेंगे तो वहां पर तू का या यह वह का, तू का ना करते हुए यह वह का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
यह वह का प्रयोग करते हैं, वह या वे। ठीक है, वह या वे किसी दूसरे को बताओगे कि वह क्या कर रहा है, वे क्या कर रहे हैं, तो तीसरे के बारे में बात करोगे तो वह या वे का यूज करते हैं। क्लियर। जब निजवाचक के बारे में बात करते हैं तो केवल आपका प्रयोग किया जाता है। निजवाचक में केवल किसका प्रयोग किया जाता है? आपका, कि मैं अपने आप कुछ काम को कर लूंगा, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, तो स्वयं, आप, खुद, इस प्रकार के जो वर्ड है, ये शब्द है, उसको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निश्चय में क्या है? निश्चय में यह भी आता है और वह भी आता है। अब देखो, वह का दोनों जगह सेंस आ रहा है, वह आपके अन्य पुरुष में भी आ रहा है, यह भी अन्य पुरुष में आ जाता है, यह वह ये वे इनको इनको। ठीक है, लेकिन साथ में ये निश्चय को भी दर्शाता है कि निश्चय है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वह वस्तु क्या है, यह पेन क्या है। ठीक है, इस तरीके से, तो यह पुस्तक या वह पुस्तक वहां रखी है, तो इस प्रकार से ये क्या निश्चय में बता रहे कि वहां पर ही रखी है, तो निश्चय में भी आते हैं। लेकिन निश्चय के अंदर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समीपवर्ती और एक होता है दूरवर्ती। तो जो यह है वो समीपवर्ती के अंतर्गत आता है और वह जो होता है वो दूरवर्ती के अंतर्गत आता है। यह जो होता है वो समीपवर्ती के, माफ करना, यह जो होता है वो समीपवर्ती के अंतर्गत आता है और वह जो होता है वो दूरवर्ती के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कौन जो है वो प्रश्नवाचक में आ जाते हैं, क्या कौन देख के लग रहे, प्रश्न पूछ रहे। अनिश्चय, कोई कोई आदमी आया है, ये अनिश्चय है। कुछ खिलौने लाए गए हैं, ये अनिश्चय है। कुछ लाए गए हैं, कितना लाया गया है पता नहीं है नंबर का, तो ये क्या हो जाएंगे, अनिश्चय के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर संबंध में आता है आपका जो और सो, संबंध में आता है आपका जो और सो। जैसे बोलते हैं जो करेगा वही भरेगा, तो ये जो और सो किसी दूसरे से या तीसरे से या किसी एक शब्द, एक कथन के अंतर्गत प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्य को जोड़ने का काम करता है, और संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो ये सर्वनाम थे। आई होप इस स्लाइड में आपको सर्वनाम के बारे में सारे डिटेलिंग पता चल गए होंगे और इसी से संबंधित आगे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं भाई, तो संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं सामान्य भाषा में। तो ऑप्शन देख लो, विशेषण के बदले आते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, क्रिया के साथ जुड़कर आते हैं, इनमें से कोई। मैंने क्या बताया, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। और ये कैसे शब्द होते हैं, तो ये अविकारी या विकारी, तो ये होते हैं विकारी शब्द। अब अविकारी और विकारी मैंने संज्ञा के समय भी बताया था। अविकारी क्या होता है, जो लिंग वचन काल के अनुसार उसका रूप परिवर्तन ना हो, अविकारी। लेकिन जिसका लिंग वचन काल, काल ना, काल नहीं, कारक, लिंग वचन कारक के अनुसार जिसका अर्थ परिवर्तित हो जाए या शब्द में परिवर्तन हो जाए वो विकारी होता है। ठीक है, इसका जो सर्वनाम है वो लिंग के कारण तो परिवर्तित नहीं होता, लेकिन वचन और कारक के अनुसार ही परिवर्तित हो जाता है। वचन क्या होता है, एक वचन, बहुवचन, जैसे मैंने बताया था। जैसे मैं बोलूंगा किसी व्यक्ति के बारे में, वह व्यक्ति वहां खड़ा है, अब बहुत सारे व्यक्ति खड़े रहेंगे तो बहुवचन में क्या होंगे, उसको लोग बोलेंगे, तो वहां पर वह यूज नहीं करूंगा, वह लोग नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, वे लोग वहां खड़े हैं। तो वे परिवर्तन हो गया, वह का वे हो गया, तो ये क्या हो गया, परिवर्तित होता है, इसलिए क्या हो गया, ये विकारी शब्द है। और संज्ञा में मैंने आपको कारक बताया था, कारक रचना के अनुसार इनके पद अलग अलग बढ़ जाते हैं, जैसे वह का वे हो गया, उन्हें हो गया, उनका हो गया, इस प्रकार के शब्द। ठीक है, वो क्या होते हैं, कारक के कारण बदल जाते हैं। फिर देखते हैं मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। अभी हम लोगों ने पढ़ा मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे के बारे में तो बात नहीं किया था, मैंने बात किया था मैं। अब देखो पुरुषवाचक में भी तीन होता था, मैंने बोला उत्तम, मध्यम और अन्य। तो उत्तम पुरुष जो सर्वनाम होता है वो हमेशा स्वयं बोलने वाले के लिए, वक्ता के लिए, लेखक के लिए, कहने वाले के लिए यूज किया जाता है। तो अपने आपको मैं भी बोल सकता है, मुझे भी बोल सकता है, हमें भी बोल सकता है, या हम भी बोल सकता है अगर सामूहिक रूप से अपने आपको दर्शा रहा है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आते हैं उत्तम पुरुष में। तो मध्यम पुरुष में क्या आता है, आप किसी को संदर्भित करेंगे, जैसे मैं अभी बात करूं आप लोगों से, तो मैं क्या बोलूँ आपको, आपसे संदर्भित कर रहा हूँ। अगर कोई उम्र में छोटा हो तो अगर हम लोग घर में, घर परिवार में क्या तू से बात कर लेते हैं, तू या तुम से, तुम क्या लेकर आए हो, इस प्रकार का, तो ये तुम भी मध्यम पुरुष में आ जाता है, तुम, तुम्हारा, आपका। ठीक है, फिर अन्य पुरुष में आप किसी तीसरे से बात करेंगे, हम दोनों अगर बात कर रहे हैं आप और मैं, तो हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि वह व्यक्ति कैसा है। तो वह व्यक्ति, तो वह या यह या वे, ये सब क्या हो जाते हैं, आपके अन्य पुरुष, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, ये होता है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। और वह यह ये वे आपके निश्चयवाचक में भी आता है, मैंने बताया है।
फिर जो करेगा सो फरेगा वाक्य में जो और सो क्रमशः है तो क्या है ये जो और सो। तो पुरुषवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, इनमें से क्या है? तो जो करेगा सो भरेगा, तो जो और सो वाले किसके अंतर्गत आते हैं? संबंध के अंतर्गत आते हैं। तो देख लो भाई संबंध कहां पर है, इन चारों ऑप्शनों में यहां पर है, तो ये तो आंसर हो जाएगा। अब इसके साथ निश्चयवाचक दिया तो क्या ये सही है? क्योंकि चेक करना जरूरी है ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं भी दिया है इस कारण, तो आपको चेक करना होगा। संबंधवाचक तो आप पहचान गए, लेकिन क्या ये कथन निश्चयवाचक के अंतर्गत भी आता है? तो कैसे मालूम चलेगा? जो करेगा सो भरेगा, इसका अर्थ क्या है कि जिसने जिस जो काम किया है उसकी भरपाई वही करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित चीज को बता रहे कि उसने किया है तो वही भरेगा, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आता है, जो करेगा सो भरेगा, ये निश्चयवाचक को भी दर्शाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या एक ही प्रकार का सर्वनाम दो जगह आ सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे यह, वह, वे, इनको हम लोग अन्य पुरुष में पढ़ते हैं, निश्चयवाचक में भी पढ़ते हैं, उसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है, इस वाक्य में यह किसके बारे में बोल रहे हैं? यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह किस प्रकार का सर्वनाम है भाई, यह आपको देखना है, यह आपको देखना है किस प्रकार का सर्वनाम है, यह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो शास्त्रों की बात में कविता का दखल, यह, अब यह किसके बारे में बात कर रहे हैं? कविता के दखल के बारे में आया है। तो कविता का दखल इस कथन के अकॉर्डिंग क्या है? ये निश्चित चीज के बारे में दर्शा रहा है। तो आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन देख लो, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक। अगर मैं यह की बस बात करता तो यह तो निश्चयवाचक के अंतर्गत आता ही आता है, और इस कथन के अकॉर्डिंग भी यह किसको दर्शा रहा है? कविता के दखल को भी। तो दोनों प्रकार से ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले वाक्य में कौन सा सर्वनाम? अभी गाना तो आप सभी ने सुना होगा, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। तो अब ये गाना जो है उसका वाक्य लिया गया है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर सर्वनाम वाला शब्द कौन सा है जो 11 प्रकार के हम लोगों ने पढ़ा था? कौन सा रहा? कोई। अब कोई क्या पढ़े थे हम लोग? कोई या कुछ। अनिश्चयवाचक के लिए तो 4 ऑप्शन देख लो, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बहुत ही आसान है ये, आपने अगर पहले स्लाइड को समझ रखा है तो। फिर देखते हैं, वह किसे देख रहा है? वाक्य में रेखांकित शब्द का पद परिचय है। तो रेखांकित शब्द इसमें से कौन ऐसा है? देखता हूं मैं एक बार, यहाँ पर पैटिंग थोड़ा सा। किसे, यहाँ पर किसे शब्द जो है, यहाँ पर ये अंडरलाइन है, रेखांकित शब्द का पद परिचय है। तो पद किस प्रकार में आता है? प्रश्नवाचक, उभयलिंगी, एकवचन, कर्मकारक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उभयलिंगी, एकवचन, कर्मकारक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एकवचन, कर्मकारक या प्रश्नवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एकवचन और कर्मकारक। तो किसके अंतर्गत आएगा देख सकते हैं। तो पहले तो किसे देख रहा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, और नहीं भी लगा होता तो प्रश्न से समझ में आ रहा है क्वेश्चन सब कथन को पढ़ के कि ये प्रश्न ही पूछ रहा है। तो प्रश्न पूछ रहे तो प्रश्नवाचक ही सर्वनाम आएगा। तो ये 3 जगह है, तो ये वाला तो पहले ही हट गया। फिर दिया है उभयलिंगी, यहाँ दिया पुल्लिंग और यहाँ दिया स्त्रीलिंग। तो ये किसे शब्द को आप प्रयोग करके देखो, वह लड़की किसे देख रही है, और लड़का बोलूं तो वह लड़का किसे देख रहा है, दोनों समय में किसे ही आया, उसके लिंग में कोई परिवर्तन नहीं। और ऐसे शब्द जिसके लिंग में परिवर्तन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? उभयलिंगी। तो ये सही हो गया, ये दोनों आपके गलत हो गए। तो आपका आंसर क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर ए मिल गया, क्लियर। तो ए इज ए राइट आंसर। अब उभयलिंग तक पहुंच गए तो आगे देखने की आपको जरूरत भी नहीं है। होता क्या है, ये एक वचन ही होता है हमेशा, जो प्रश्न क्या है एक वचन के अंतर्गत ही आते हैं। प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक, ये दो प्रकार के जो शब्द हैं दोनों हमेशा हर रूप में क्या रहते हैं? हर रूप में अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक हमेशा क्या रहते हैं? आपके एक वचन में ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। उत्तम पुरुष के लिए क्या होता है भाई? अभी पढ़ के आए थे, अब ऑप्शन से आप कमेंट करके बताइएगा उत्तम पुरुष कौन सा होता है। कोई या कुछ, क्या, मैं, हम, हमारा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर जरूर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मैं स्वयं चला आऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? मैं स्वयं चला आऊंगा, तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? मैंने अभी बताया था स्वयं, खुद, अपने आप, अपने ही, ये सब शब्द जो रहते हैं वो निजवाचक सर्वनाम यूज करते हैं। अब ऑप्शन में कौन सा है? मैं स्वयं चला आऊंगा, तो ये पूरा आंसर अलग अलग डाल दिया गया। इसमें स्वयं जो शब्द है वो निजवाचक को प्रेजेंट करता है, तो स्वयं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ? तो निजवाचक का देख लो, अपनों से क्या छिपाना, भगवान मुझे अपना ले, मैं आप ही चला जाऊंगा, उपयुक्त सभी,
तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहां पर हुआ? तो देखो आप या अपना वाला शब्द तो तीनों जगह आया है, तो उपयुक्त सही आंसर हो सकता है क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि निजवाचक खुद के लिए प्रयोग होना चाहिए। निजवाचक जो शब्द है वो खुद के लिए प्रयोग हो तब वो निजवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन अपनों से क्या छिपाना है? आप दूसरे लोगों के लिए बात कर रहे हैं कि अपनों से क्या छिपाना करते हैं? मध्यम पुरुष से मैं बात कर रहा हूं। भगवान मुझे अपना ले, यहां अपनाने ग्रहण करने की बात हो रही है या फिर अपने साथ रखने की बात हो रही, तो ये नहीं आएगा। मैं आप ही चला जाता या चला आता, तो यहाँ पर आप स्वयं के लिए यूज हुए, इसलिए आंसर नंबर सी या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैं आप ही चला आता, मैं अपने बारे में बोल रहा कि मैं खुद चले जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11, तू तू तुम तू तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको दो से तीन बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 की कौन सा आता है, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? 12, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? अब टोटल सर्वनाम पद मैंने बताए थे कितने, 11 है। अब 11 में से कौन सा नहीं आ रहा? कुछ आया था क्या? हाँ आया था। कौन आया था क्या? हाँ आया था। क्या आया था क्या? हाँ आया। इधर आया था क्या? नहीं। अब तो इधर क्या होता है, तो एक क्रिया विशेषण के अंतर्गत दिशावाचक क्रिया विशेषण अगर पूछा जाए तो इधर या उधर, यहाँ वहां, इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तब इधर के बारे में चर्चा करेंगे। फिर देखते हैं, प्राचार्य जी आ रहे हैं, खाली स्थान दिया गया है, प्रणाम करो। इस वाक्य में रिक्त स्थान पर उपयुक्त सर्वनाम क्या होगा? बहुत ही आसान है, उसे, उसको, उन्होंने या उन्हें। तो क्या आएगा ये? प्राचार्य जी आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो। क्या होगा? उन्हें प्रणाम करो। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उन्हें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन्हें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है, वह एक अच्छा छात्र। तो संकेत कौन बता रहा है? वह एक अच्छा छात्र है करके। तो संकेत किसके बारे, संकेत किस शब्द से प्रति पता चल रहा है कि वह एक अच्छा छात्र है? तो वह जो शब्द है वो इंडिकेट कर रहे हैं उस छात्र को। तो वह क्या हो गया? इंडिकेट करने वाला है, संकेत बताने वाला। तो वह शब्द सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वह शब्द जो है वो संकेतवाचक सर्वनाम। अब बोलेंगे कि 6 प्रकार के सर्वनाम मैंने बताया, संकेतवाचक क्या है? तो ये नाम दे दिया जाता है किसी पर्टिकुलर शब्द को कि अगर कोई संकेत की ओर इशारा करे तो संकेतवाचक सर्वनाम होगा कि नहीं होगा। तो इस वजह से वह को आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इधर दिशावाचक था तो दिशावाचक सर्वनाम बोल सकते थे क्या? नहीं बोल सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया सर्वनाम टोटल कितने हिंदी में? 11 ही है। तो इधर को पढ़े थे क्या? नहीं, लेकिन वह को तो पढ़े थे, इसलिए संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रख सकते हैं। तो जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। कथन क्या दिया भाई? कुछ खिलौने खरीद लाओ। कुछ खिलौने खरीद लाओ, इसमें सर्वनाम शब्द क्या दिख रहा है? 11 में से कुछ, और कुछ किसके अंतर्गत आता है? निश्चय, अनिश्चय, उत्तम या संबंध। तो ये किसके अंतर्गत आता है? अनिश्चय के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। तो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प पहले कथन पढ़ लो। कथन में क्या बोला गया है? इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा। तो इस कथन से क्या लग रहा है? किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा है और उसी को पुरस्कृत किया जाएगा का संदर्भ क्या है? कि वो निश्चित है कि उसी को ही पुरस्कृत किया जाएगा। तो निश्चित है तो भाई कौन सा सर्वनाम इसमें झलकेगा? निजवाचक, निश्चयवाचक, उत्तम पुरुष या फिर संबंधवाचक? जब निश्चय की बात करें तो क्या आएगा यहाँ पर? निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। और इसमें सर्वनाम कौन सा है? उसी, उसी या उसको बोलते हैं ना, उसको, उनको, तो उसमें से उसको उसी कर दिया गया है। अब कारक रचना के अनुसार इसमें परिवर्तन आ गया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। कल तुम किससे बात कर रहे थे? तो कल तुम किससे बात कर रहे थे, इसमें क्या आएगा? निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक? तो पहली बात तो प्रश्न कथन को पढ़ते यहां पर दिख गया क्या आपको? प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ऐसे ही आप प्रश्नवाचक मार सकते थे। और फिर भी अगर वो देखने में पढ़ने में मिस हो जाए तो भी क्या है? कल तुम किस से, तो ये शब्द भी अपने आप में क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, और इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट वीडियोस को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे, जो भी हिंदी से 5 में 5 अंक लाना चाहते होंगे और जो रिसोर्सेस की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, उनके लिए अच्छा हो जाएगा।
तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ में जितने भी मैं चीजों का कमेंट करने बोलता हूँ कमेंट अवश्य कीजिएगा। उससे ये लगता है कि आपको सेशन पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहाँ पर गलती रह जा रही है वो भी समझ में आ रही है, और एक शायद अनेक शब्दों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले वीडियो में मैंने अपेक्षा को शायद रॉन्ग बताया है, आपने कमेंट किया तो इसके बारे में बता देता हूँ। हाँ आप सही बोल रहे हो, इससे उम्मीद करना होगा, मैंने वहाँ पर उपेक्षा के बारे में बता दिया कि उम्मीद करना सही होगा, तो ये आप लोग भी सुधार लीजिएगा, और उन स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस गलती को पकड़ा। तो आप लोग भी इसी तरीके से बता सकते हो, अगर कहीं पर गलती रहती है तो उसमें मुझे कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, साथ में कमेंट कीजिएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं, खुद सर्वनाम किस भाषा का है। खुद, अब खुद एक जो शब्द है वो सर्वनाम किस भाषा का है। तो खुद के बारे में चर्चा, अगर हम लोगों ने शब्दों के बारे में जब चर्चा किया था तो मैंने बोला कि अगर आपको सभी प्रकार के शब्दों को ट्रिक्स या टेक्निक्स के माध्यम से याद करना है, कुछ को तो मैंने बता दिया था, सभी को याद करना है तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो खुद शब्द जो होता है वो फारसी के अंतर्गत आता है, चार ऑप्शनों में से किसके अंतर्गत आता है, फारसी के अंतर्गत। तो इसको फंसने से याद करना, आदमी कोई भी काम करता है तो पहले कौन फंसते हैं, खुद फंसते हैं, तो खुद फंसने से फारसी याद रखना है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नांकित में से किस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान भी होता है। तो किसका प्रयोग विशेषण के समान हम लोग कर सकते हैं, विशेषण के समान किसका प्रयोग हम लोग करेंगे। तो विशेषण के समान जो भी प्रयोग करते हैं हम लोग, तो ऐसा शब्द होना चाहिए जिससे पता चले कि वो किसी संज्ञा के बदले आ रहा है या संज्ञा की विशेषता को बता रहे हैं। जैसे काला घोड़ा, काला घोड़ा में काला तो विशेषण है, लेकिन मैं बोलती हूँ वह काला घोड़ा है, तो वह भी क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि उस पर्टिकुलर घोड़े के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहां पर वह जो शब्द है वो किसके अंतर्गत आता है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, उपयुक्त तीनों, वो तो आता है भाई, वह पुरुष में भी आता है, लेकिन पुरुषवाचक में बात करें तो किसी तीसरे पर्सन के रूप में बात कर सकते हैं। ठीक है, आंसर ये भी हो सकता था, लेकिन विशेषकर ये किसके अंतर्गत आते हैं, आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं विशेषकर, क्योंकि केवल वह शब्द बस जो विशेषण का काम नहीं करेगा, इन्हें, उनको, इनको, वे, ये, ठीक है, ये सारे शब्द भी जो पुरुषवाचक के अन्य पुरुष के अंतर्गत नहीं आते हैं वो भी आते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम ही आपके विशेषण के रूप में कार्य करता है, और मैंने दूसरा भी बताया कि पुरुषवाचक में अन्य पुरुष भी हो सकता था, बट सही आंसर निश्चयवाचक को लिया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। निश्चयवाचक को प्रविशेषण, विशेषण भी बोल सकते हैं इसको, और विशेषण से ज्यादा अच्छा सुटेबल जो शब्द लिखना था यहाँ पर, जो भी एग्जाम को में क्वेश्चन सेलेक्ट किए उन्होंने, उनको प्रविशेषण लिखना था, क्या प्रविशेषण के रूप में। प्रविशेषण क्या है, विशेषण वाले क्लास में हम लोग समझेंगे, फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ नॉलेज के लिए। विशेषण की जो विशेषता बताए, जैसे मैंने बोला वह काला घोड़ा है, तो काला तो घोड़े की विशेषता बता रहा था कि वो काला है, लेकिन काला के की भी विशेषता कौन बता रहा था, वह शब्द, वह काला घोड़ा है, तो वहां पर वो प्रविशेषण के रूप में काम करता है, जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग दो सर्वनाम में होता है। दो सर्वनाम में भाई, आप, हम, कोई, क्या, तो आप शब्द सही आंसर होगा, क्यों, क्योंकि आपका हम लोग कहाँ करते हैं, निजवाचक सर्वनाम में भी करते हैं और मध्यम पुरुष में भी करते हैं, तो दोनों जगह इसका सर्वनाम में करते हैं, इसलिए दो सर्वनाम। इसके अलावा और कौन हो सकता था, वह भी हो सकता था, क्या हो सकता था, अन्य पुरुष में करते हैं, निश्चयवाचक में कर सकते हैं, यह भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वे भी हो सकता है, ये दोनों भी दो सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। तो एक बार तो आप पूछ लिए, बाकी बार के लिए ये याद रख लो। किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एकवचन तथा बहुवाचक, बहुवचन होना चाहिए, बहुवचन में समान होते हैं। तो अभी इसके बारे में डिस्कस किया था कि प्रश्नवाचक के साथ साथ अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक क्या, कुछ, कोई, ये दोनों शब्द भी क्या है, एकवचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वह लड़की क्या कर रही है या वह लड़का क्या कर रहा है, तो लिंग परिवर्तन हुआ, तो दोनों जगह तो वही सेम, तो सेम लिंग, उभय लिंगी तो होते हैं, पढ़ लिए थे। लेकिन एकवचन में बोले तो वे लड़के क्या कर रहे हैं, तो लड़के बहुवचन हो गया, वह लड़का क्या कर रहे हैं, दोनों जगह क्या ही वर्ड यूज हुआ, तो ये क्या हो गया, एक वचन और बहुवचन में समान होता है। साथ में अब ये भी था प्रश्नवाचक, अगर एक ही जगह होते तो डायरेक्ट आंसर मार सकते थे, लेकिन अनिश्चयवाचक को भी आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, कुछ खिलौने लाए गए, ठीक है, कुछ खिलौने लाए गए, तो खिलौने क्या है, आपका बहुवचन में आ गया, कुछ खिलौने लाए गए। और क्या बोल सकते हैं, लड़का कुछ ढूंढ रहा है, तो कुछ वहां पर, अब लड़का कुछ ढूंढ रहा है, यहाँ पर कौन सा वचन हो गया, एक वचन हो गया, तो दोनों में कुछ का
अर्थ बदला क्या या इसके इसमें कोई भी शब्दों में चेंज आया क्या? नहीं आया। तो ये क्या है? दोनों में समान रूप से यूज किए जाते हैं, प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द होगा, तो सर्वनाम शब्द कौन सा होगा भाई? देख लो, ताजमहल, बुढ़ापा, पतला, उन्होंने, तो बहुत ही ईजी है, उन्होंने शब्द ही दिख रहा है, बाकी सब तो आपके अलग अलग है। ताजमहल तो संज्ञा को बता दे रहा है, बुढ़ापा ये भी संज्ञा को बता दे रहा है, पतला ये भी संज्ञा को बता दे रहा है। कैसे संज्ञा? भाववाचक, गुणवाचक इस प्रकार का, और व्यक्तिवाचक, इन सबको बता दे रहे हैं, उन्होंने ही सही आंसर हुआ। फिर दिया कोई कौन सा सर्वनाम है, कोई कौन सा सर्वनाम है? निश्चय, अनिश्चय, निजवाचक। कई बार पढ़ लिया, पढ़ के आ गए कोई, तो आपको कमेंट करके बताना कि कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 23 का आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जो डर जाता है वह आगे नहीं बढ़ता, तो जो डर जाता है वह आगे नहीं बढ़ता, इसमें जो शब्द आ गया और जो शब्द किसके लिए यूज करते हैं? संबंधवाचक के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं सर्वनाम में, तो इसी प्रकार से आपको तैयारी करना है। पहले स्लाइड को अगर आप अच्छे से समझ लिए होंगे और नहीं आएंगे तो दो बार देख लेना, उसको तीन बार देख लेना, तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा कि सर्वनाम क्या क्या चीज होते हैं, किसके स्थान पर आता है, कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं, तो सब आपको दिमाग में बैठ जाएगा। फिर निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प, कहीं वह रास्ता भटक तो नहीं गया। यहाँ पर शब्द कौन सा आ रहा है? कहीं शब्द आ रहा है, कौन सा शब्द आ रहा है? कहीं शब्द आ रहा है, तो कहीं शब्द के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? निश्चय की अनिश्चय, क्या कर सकते हैं? निश्चय या अनिश्चय, तो ये कर सकते हैं अनिश्चयवाचक, ठीक है, क्योंकि कहीं हम लोग पढ़े ना, अनिश्चय में क्या, कुछ, कोई, कहीं, इस प्रकार के शब्द भी आपके अनिश्चय में आते हैं, कहीं वाले शब्द भी इसको याद रखते हैं, ठीक है। कहीं देर हो गया तो निश्चित है क्या देर होगा या नहीं हो, कहीं हो गया तो, इस तरीके की बात कर रहे हैं तो कहीं शब्द क्या होगा, अनिश्चय के बारे में बताता है। तो ये आपके टॉप 25 क्वेश्चन थे सर्वनाम से रिलेटेड। आई होप आपको सर्वनाम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ते रहता है, और इतने दिनों से आप लोग जो प्यार देते हैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर इस वीडियो में कोई भी आपको या इस टॉपिक में कोई भी आपको दिक्कतें आई होगी या समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।